नमस्कार। आपने अक्सर देखा होगा गर्मी के मौसम में सीलिंग के ऊपर एक मटकी बांधी जाती है और उस मटकी से बूंद 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 जल टपकता है सीलिंग के ऊपर, उसको गलनतिका भी कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वो गलनतिका बांधने का भी एक निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। कितने समय तक वो मटकी भगवान शिव के ऊपर रखी जाती है और बूंद बूंद जल टपकाया जाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि वैशाख माह में भगवान शिव जो शिवलिंग होता है उनके ऊपर वो मटकी बांधी जाती है और बूंद बूंद जल टपकता है। वैशाख माह, अब आप कहोगे सर ये वैशाख माह में ही मटकी क्यों बांधी जाती है, गलंतिका क्यों बांधी जाती है और पूरे साल भर भगवान शिवलिंग के ऊपर वो मटकी क्यों नहीं बांधी जाती है? सिर्फ वैशाख माह में ही क्यों बांधी जाती है? इसका कुछ एक विशेष कारण है, आइए देखते हैं। शिवलिंग के ऊपर मटकी, जिसको अपन गलंतिका भी कहा जाता है, केवल वैशाख मास में ही क्यों बांधी जाती है? गर्मी के मौसम में ही, आपको पता हो तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गर्मी वैशाख माह में पड़ती है। वैशाख मास यानी 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में। वैशाख मास हिंदी माह इसको कहा जाता है और अपने अंग्रेजी कैलेंडर में 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में वैशाख मास होता है। इस मास में भारत भूमि से वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है। इस मास में भारत में, हिंदुस्तान में वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है और गर्मी भी बहुत खतरनाक पड़ती है और लू के थपड़े चलते हैं। सिर्फ नदी तालाब ही नहीं, मनुष्य के शरीर के भीतर का जल तत्व भी तेजी से कम होता है। तालाब से वाष्पीकरण होता है, नदी से वाष्पीकरण होता है, इन सबसे तो होते होता है, इसके अलावा भी मनुष्य के अंदर भी जल तत्व बहुत तेजी से कम होने लगता है। मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर मटकी बांधकर यह संदेश दिया जाता है कि शरीर को नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, दिन भर घूंट घूंट पीते रहें। शिवलिंग के ऊपर मटकी बांधने का एक संदेश दिया जाता है समाज को कि जिस तरह से भगवान महादेव उस मटकी के जरिए बूंद 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 जल का उनका अभिषेक होता है, उसी प्रकार वो कहते हैं कि ये गर्मी का समय है, मनुष्य भी घूंट घूंट पानी पीता रहे और अपने अंदर शरीर के अंदर जल तत्व की मात्रा बराबर रखें। यह एक तरह का संदेश समाज को दिया जाता है। पहला रीजन तो यह है कि भगवान शिवलिंग के ऊपर मटकी क्यों बांधी जाती है। एक सेकंड रीजन और भी है, देखिए आप शिव महापुराण। शिव पुराण में एक छोटा सा वृतांत आता है, जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकलता है तो भगवान शिव इसे अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। समुद्र मंथन होता है, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें भी निकलती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें देवताएं ले लेते हैं, लेकिन जब कहते हैं कि जब अच्छा होता है तो बुरा भी होता है, जब अच्छा हुआ उस वक्त तो बुरा भी हुआ, समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल विष निकला और वह विष पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को समाप्त कर सकता था, पूरी पृथ्वी को जलाकर राख कर सकता था। तो पृथ्वी को बचाने के लिए, इस धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष वैशाख मास में अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। कहते हैं कि ये जो विष का जो प्रभाव है ना, वैशाख मास में इस गर्मी में अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है और भगवान शिव को यह बहुत कष्ट देने लगता है। शक्तिशाली हो जाता है और भगवान शिव को कष्ट देने लगता है। इस विष की गर्मी शांत करने के लिए सीलिंग पर मटकी बांधकर नियमित रूप से बूंद बूंद जल से अभिषेक किया जाता है। कहते हैं कि यह विष है ना, वैशाख मास में इतना शक्तिशाली हो जाता है जो भगवान शिव को बहुत कष्ट देने लगता है। तो यह एक मान्यता है कि इस विष की गर्मी शांत करने के लिए भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर मटकी बांधी जाती है और बूंद बूंद पानी से उनका जल अभिषेक किया जाता है, जिससे क्या उस विष की गर्मी शांत हो और भगवान शिव को उस विष से इतना कष्ट न हो। तो यह दो कारण हैं
इसीलिए भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर गलंथी का मटकी बांधी जाती है और बूंद बूंद से उनका जल अभिषेक किया जाता है। इसी के साथ आज ही ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखते रहिए मेरे साथ।